ये गांव घाट के पास से उल्लास इस समय दिखाई पड़ता हुआ, ये भूतेश्वर नाथ महादेव के दर्शन, सूर्य की रोशनी में नहाया हुआ भूतेश्वर नाथ महादेव, श्री चक्र तीर्थ के दर्शन। जय शुक्ल चतुर्दशी, आज ही पूर्णिमा लग जाएगी और 3 जून 2023 मौसम पानी जल काफ़ी। पंडित जी अहल्या बाई होलकर, एक स्थान ये पवित्र सूदगद्दी मंदिर राइट साइड ऊपर की तरफ है, यहाँ से नहीं दिख रहा है। सूर्य की जेठ की दोपहरी आज एक दिन पहले सूर्य की रोशनी में नहाया भूतेश्वर नाथ महादेव मंदिर। ये देखिए सामने स्नान करते हुए, दक्षिण दिशा इधर है, इस वजह से अगर बद्री नारायण धाम की तरफ या चक्र नारायण मंदिर की तरफ से स्नान अगर करते हैं तो आप आसानी से पितरों को जल दे सकते हैं दक्षिण दिशा में, अदरवाइज़ थोड़ी दिक्कत होती है। सीढ़ी पे बैठ के भी जल दिया जा सकता है अपने ऊपर पवित्र करने के बाद। यहाँ से रास्ता जाता हुआ एक शॉर्टकट रास्ता, सीधे रास्ता थोड़ा सा बाएं निकल के सीधे जाता हुआ यहाँ से, ये जो चौराहा जैसा है यहाँ से गाड़ियों की एंट्री वैसे बैंड रहती है, बैरिकेडिंग, सुलभ शौचालय। ये वो स्थान जहाँ से गेट बनना है, एक ये वृक्ष बट वृक्ष और एक ये बट वृक्ष दोनों बच गए हैं, गेट का जो स्थान था वो बदला गया, पूरा नक्शा चेंज हुआ। देखिए गाड़ी अभी निकलने दिया जा रहा, गाड़ी को कोई रोक टोक नहीं है क्योंकि यहीं बगल में द विश्वनाथ पैलेस जो कि एक संभवतः 3 स्टार होटल, एक ये स्थान शिवम दीक्षित कूल कॉर्नर, आगे निकालो श्रीमद भागवत कथा सत्संग हॉल। आज शनिवार टेम्पो ट्रैवलर हनुमानगढ़ी वाले रास्ते से आती हुई, इस समय बाहर के रास्ते से भी सीधे निकलते अंदर आ जाती गाड़ियों, थोड़ा जाम द विश्वनाथ पैलेस के पास से जाता हुआ रास्ता, ये इधर से निकल के सीधे चले जाएंगे, बीच से बाइसेक्ट करके आदि गंगा गोमती माता। ये हो बिल मठ, श्री नरसिंह भगवान का मंदिर बनते हुए, वैसे नरसिंह भगवान का एक क्षेत्र श्री चक्र तीर्थ में बालाजी महाराज के मंदिर के दाहिनी तरफ, थोड़ा सा दाहिनी तरफ पीछे की तरफ कुएं के जस्ट बगल में उपेक्षित पड़ा हुआ है, वो भी डेवलप हो सकता है। श्रद्धालु हनुमानगढ़ी से दर्शन करके आते हुए गोपाल मंदिर के बगल से सीधा रास्ता ये जाता हुआ जगन्नाथ जी मंदिर की तरफ,
ये श्री शक्ति धाम नैमिषारण्य, जो कि वो वेद व्यास धाम में जो 630 दिन का जो एक महायाग हो रहा है उसका, और ये श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान ज्ञान सप्ताह 2 जून से 8 जून, कलश यात्रा 2 जून को, और ये कहाँ पे है ये लोकेशन नहीं दी है, कथा स्थल श्री नैमिषारण्य तीर्थ सीतापुर। तो नैमिषारण्य तो बहुत बड़ी जगह है, कोई एक जगह तो है नहीं, ये श्री श्री 108 आनंदमयी माँ आश्रम के बगल का रास्ता, बाएं विश्व का एकमात्र पुराण मंदिर, ये बगल का एक मकान जहाँ दुर्गा माता का विग्रह स्थापित है। एक दिन पूछने पे पता लगा, लेकिन माँ की कृपा किन्हीं कारणों से नहीं हो पा रही है। ये